हेलो एपरीबैन कैसे हैं आप सब आज बनाने जा रही हूँ एक और नई डिज़ाइन का डोरमेट इसे बनाने के लिए मैंने चार कलर की बुल ली है इसको आप साड़ी और चुन्नी से भी बना सकते हैं तो सबसे पहले मैं फंदे डालूंगी इसमें और देखिए इस तरह से इतनी भूल ले रही हूँ मैं क्योंकि इसमें चारों कलर से फंदे लेने हैं मुझे इस तरह से एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस दस फंदे मैंने ले लिए अब देखिए हम इससे पांच फंदे डालेंगे यहां पे देखिए एक दो तीन चार पांच ये देखिए इस तरह से पांच फंदे मैंने इससे लिए और पांच ही फंदे मैं ग्रीन से लूंगी ऐसे एक दो तीन चार पांच और देखिए दस फंदे हम वाइट कलर से लेंगे जैसे मैंने ये नीचे के साइड में दस डाले हैं उसी तरह से तो यहां पे हम वाइट कलर से दस फंदे पहले ऐसे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ये देखिए इस तरह से फंदे आपको लेने हैं हम आपको तीस फंदों में बता रहे हैं आप इसको ज्यादा फंदे में भी बना सकते हैं जैसे मैंने दस फंदे ये लिए हैं पांच पांच फंदे ये लिए हैं तो आप ये बीस फंदे रख सकते हैं दस दस फंदे ये रख सकते हैं और यहां पे बीस फंदे रख सकते हैं तो ऐसे फंदे आप ले सकते हैं या फिर अगर आप ऐसे बनाना चाहते हैं तो और कलर इसमें ऐड कर सकते हैं पांच पांच तो ऐसे भी बना सकते हैं जितना मर्जी आप बड़ा कर सकते हैं इसको अब देखिए हम यहां से इस तरह से बुनेंगे एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ नौ फंदे हम वाइट कलर से बुनेंगे एक फंदा हम ग्रीन कलर से बुनेंगे देखिए इस तरह से हमें क्रॉस कराना है इस बुल को अब हम एक फंदा ये वाइट वाला ग्रीन से बना लेंगे अब यहां पे देखिए दो तीन चार पांच पांच फंदे बुन लिए अब एक हम ग्रीन वाला पिंक से बनाएंगे लेकिन ऐसे क्रॉस कराने के बाद देखिए ऐसे अब देखिए यहां से एक दो तीन चार पांच पांच फंदे बना लिए अब एक फंदा हम पिंक वाला ये ब्लू कलर से बनाएंगे और देखिए इसको हम ऐसे क्रॉस करा लेंगे यहाँ पे ताकि ये यहाँ पे अच्छे से ज्वाइंट हो जाए अब यहां से देखिए दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ ये आठ ये देखिए नौ अब देखिए यहां पे नौ फंदे मैंने बुने दो बिना बुने छोड़ दिए सलाई को यहाँ से हम पलट लेंगे और देखिए इधर बुल करके इधर जो जैसा कलर है उसको हम वैसे ही बना लेंगे पूरी रो हम ऐसे ही बुनेंगे इस साइड में दो दो फंदे अब हम छोड़ते जाएंगे और इधर एक एक फंदा ऊपर के साइड बढ़ाते जाएंगे इसके ये देखिए इस तरह से ये बना लिया अब हम इसको क्रॉस करा देंगे इसको पिंक को आगे थोड़ा सा खींच के लाएंगे इस चीज का आपको ध्यान रखना है नहीं तो यहां पे होल हो जाएगा तो इस तरह से ये देखिए इस रो में जो जैसा है उसको हम वैसे ही बुनेंगे ऐसे अब ग्रीन को आगे लाएंगे तो ग्रीन से बुनेंगे ऐसे ये देखिए इसको क्रॉस करा देंगे बाइट को आगे लाएंगे पे हम वाइट कलर से बुनेंगे ये देखिए इस तरह से अब हम फिर से पलट लेंगे सलाई को अब देखिए यहां से हम इस फंदे को उतारेंगे बुल को अपने तरफ करेंगे और देखिए यहां से ये दो तीन चार पाँच छ सात आठ ये देखिए इस तरह से आठ फंदे बुने एक फंदा हम ग्रीन से बना लेंगे और इस बुल को हम ऐसे क्रॉस करा देंगे ये देखिए अब यहां से हम ग्रीन से बुनेंगे ये देखिए एक दो तीन चार पांच ये पांच ही फंदे रहेंगे इस तरह से अब देखिए हम इसको ऐसे करेंगे और यहाँ से हम पिंक कलर से बुन लेंगे ये देखिए एक दो तीन चार पांच वापस देखिए इसको हम ऐसे कर देंगे यहाँ से हम ऐसे बुनेंगे ब्लू कलर से और दो तीन चार पांच छ सात आठ आठ फंदे मैंने बुने और दो बिना बुने छोड़ दिए अब हम सलाई को यहीं से पलट लेंगे और यहां पे जो जैसा है उसको हम वैसे ही बुनेंगे ये देखिए इस तरह से इसको हम क्रॉस कराएंगे यहां से जैसा जो है उसको हम वैसे ही कलर से बुनेंगे ऐसे ऐसे देखिए व्हाइट को हम इधर लाएंगे देखिए यहां से हम एक दो तीन चार पांच सात और आठ देखिए इस तरह से हमने ये बना लिया ये देखिए अब देखिए इसी तरीके से हम एक एक फंदा इधर से करते हुए और दो दो फंदे इधर से छोड़ते हुए हम इसको लास्ट के ये दो फंदे तक बनाएंगे तो यहाँ पे देखिए एक दो तीन चार पाँच छ छह फंदे और हो जाएंगे और इधर यहाँ पे बारह फंदे और छूट जाएंगे तो ये चार छूट गए हैं और दो दो करके बारह फंदे हम और छोड़ लेते हैं फिर हम आपको आगे का दिखाते हैं ये देखिए लास्ट के दो फंदे तक मैंने इसको बना लिया है और यहाँ पे देखिए ये दो दो करके मैंने सोलह फंदे छोड़ दिए हैं आपको इसी तरीके से इसको बनाना है अब देखिए यहां से एक रो हम वाइट कलर से इधर से उल्टी बनाएंगे और एक इधर से उल्टी बनाएंगे तो यहां से एक फंदा हम उतारेंगे देखिए लास्ट में दो फंदे वाइट रह गए मेरे पास जहां से अब हम इस तरह से बुनेंगे पूरी रो हम लास्ट तक इसी वाइट कलर से बुन देंगे ऐसे ये देखिए ये देखिए यहां तक हमने फंदे दो दो करके छोड़े हैं देखिए एक दो तीन चार पांच छ सात आठ आठ दो नहीं सोलह सोलह फंदे छूट गए थे दो ये रह गए थे तो इस रो में हम सभी फंदे इसी कलर से बना लेंगे वाइट कलर से ये देखिए ये छूटे वाले फंदे भी हम ऐसे ही उल्टे बनाते जाएंगे देखिए यहां से अब हम पूरी रो इधर से भी उल्टी बुन देंगे ऐसे ये देखिए तो हम ये रो ऐसे ही बुनते हुए जाएंगे लास्ट तक देखिए इस तरह से देखिए यहां पे ये देखिए एक रो ये बनके इधर से कंप्लीट हो गई तो बाइट के हमने दो रो बनाई इधर से उल्टी और इधर से उल्टी और देखिए यहाँ पे एक कली ये बन के कंप्लीट हो गई पूरी अब हम फर्स्ट रो को रिपीट करेंगे यहां से तो देखिए पहले हम ये देखिए एक फंदा उतारेंगे भूल अपने तरफ करेंगे ये दो तीन चार और देखिए यहां से हम ये बाइट वाला ऐसे ग्रीन वाला बाइट के अंदर रख के ऐसे बुनते जाएंगे पांच छ सात आठ नौ दस ये देखिए, दस फंदे हमने एक दो तीन चार पांच पांच दोनी दस दस बाइट से बुना जैसे हमने यहां पे डाले थे उसी तरीके से अब हम यहां से देखिए ये बाइट से हो गए अब हम यहां से ग्रीन से बुनेंगे पांच फंदे एक दो और इस वाली बूल को हम साथ में रख के ले जाएंगे ये तीन चार पांच इस तरह से अब देखिए इसके बाद हम यहाँ से पिंक कलर से बुनेंगे पांच फंदे एक दो तीन चार पांच और देखिए यहीं से अब हम ब्लू कलर से बुनेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ये देखिए अब देखिए जिस तरह से हमने फर्स्ट रो में फंदे लिए थे उसी को अब हमें रिपीट करना है यहाँ से तो यहाँ से देखिए जैसे हमारे पास ये वाले फंदे थे उसी सेम उसी तरीके से अब हम इसको बनाएंगे तो यहाँ से जो जैसा कलर है उसको हम वैसे ही बुन लेते हैं ये देखिए यहाँ से मैंने ये रो कंप्लीट कर ली अब देखिए हम यहाँ से जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई फंदे डाले थे उसी तरीके से हमने सभी फंदे अभी बुन लिए उसके बाद हम सेकंड रो से एक एक फंदा इधर को करते जाएंगे तो अब हम देखिए एक एक फंदा उतारेंगे दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ नौ फंदे मैंने बुने एक फंदा हमने ये ग्रीन वाला बना लिया वाइट वाला जो है उसको ग्रीन कर लिया यहाँ से देखिए दो तीन चार पांच पांच फंदे बुने उसके बाद हम इसको ऐसे करेंगे यहाँ से एक फंदा ग्रीन है उसको हम पिंक कर लेंगे दो तीन चार पांच अब देखिए इसको हम ऐसे करेंगे और यहाँ से एक फंदा पिंक वाला ब्लू से बना लिया दो तीन चार पाँच छ सात आठ और नौ नौ फंदे बुने दो बिना बुने छोड़ दिए इस रो में यहीं से हम सिलाई को पलट लेंगे और जो जैसा है उसको हम वैसे ही बना लेंगे ये देखिए इस तरह इसको हम ऐसे क्रॉस करा देंगे और इसको पिंक को आगे लाएंगे इसको इधर करेंगे ये देखिए बाइट को आगे लाए यहाँ से हम बाइट से बुनेंगे दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ ये देखिए ये देखिए इस तरह से यहाँ से देखिए दूसरी कली स्टार्ट हो गई है अब इसी को रिपीट करते हुए इधर हम दो फंदे छोड़ते हुए इधर से एक एक फंदा इसका करते हुए जैसे हमने ये डिजाइन बनाई है इसी तरीके से बनाना है तो हम इसको बना के कंप्लीट करते हैं फिर दिखाते हैं ये देखिए इस तरह से ये बारह कली में बन के यहाँ पे कंप्लीट हो गया अब देखिए हम वाइट कलर से एक रो इधर से उल्टी तरफ से बनाएंगे तो देखिए ये बूल मैंने कट कर दी है और ये कली पूरी हो गई तो अब यहाँ से हम ऐसे ये वाली बुल हम इसी के साथ ऐसे कर देंगे जो मैंने कट की है ताकि ये खुले नहीं इस तरह से पूरी रो हम इसी वाइट कलर से बुनेंगे ये वाली भी हम ऐसे ही दबा देंगे उसके बाद हम कट करेंगे नोट लगा के लास्ट तक हम इसे बनाएंगे ये देखिए लास्ट तक ऐसे ही बोल लेंगे जैसे हम बीच में ये रो डाल रहे हैं उसी तरीके से देखिए ऐसे ये रो पूरी हो गई अब देखिए यहाँ पे इस तरह से अब हम इन फंदों को इधर से बंद कर देंगे दो का एक करते हुए तो ये इधर एक रो भी आ जाएगी और ये बंद भी हो जाएंगे ऐसे दो का एक करते जाएंगे और बंद कर देंगे ऐसे तो हम इनको ऐसे ही कर लेते हैं फिर आगे का दिखाते हैं ये देखिए सभी फंदे मैंने यहाँ पे बंद कर दिए हैं अब देखिए हम इसकी सिलाई कर देंगे तो इसको हम यहाँ से सिलना स्टार्ट करेंगे और देखिए ऐसे मिलाते हुए सिलते जाएंगे इस तरह से तो हम ऐसे ही इसको यहाँ तक मिलाते हुए जाएंगे।